हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल इन आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेचू पाठशाला। तो आज हम लोग जो अपनी सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये चौथा वीडियो है सीरीज का, जिसमें आज हम लोग प्रॉपरली देखने जा रहे हैं हिंदी के 30 क्वेश्चंस जो 2020 में पूछे गए हैं। तो मैं आपको अपने आंसर की से सॉल्व कराऊंगा। आप देख सकते हैं ये पेपर्स हैं, इसको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो यहाँ पे हम रियल आंसर की से सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, इस नंबर पे आपको कॉल करना है या आपको व्हाट्सएप करना है। और इस समय जो हमारा करंट में बैच चल रहा है वो बैच का नाम है मिशन 60 डेज प्लान। ओके, यानी 60 दिनों में आपको पूरे बेचू एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको इस नंबर के माध्यम से हमारी टीम से कांटेक्ट करना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। और हमारे यहाँ क्लासेस जो है वो बेचू पाठशाला ऐप पर कंटिन्यू की जाती है, यानी बेचू पाठशाला एक ऐप है, वहां पे हमारी क्लासेस जो है वो चलती हैं। ओके, तो चलिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो टॉपिक है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसी क्रम में हम लोग आज हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये मेरी आंसर की है जो मैं पेपर दिया था, ये आंसर की है, तो इससे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने सॉल्व भी कराए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको आंसर्स बताऊंगा। जो जिन क्वेश्चनों को मैंने सॉल्व नहीं कराया अभी तक उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन था विटामिन ए और विटामिन सी, बी और के, इन सबके मैंने पूछे थे, नेम पूछे थे आपसे, रासायनिक नाम पूछे थे। तो उसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया है, जिसमें कुछ जैसे स्वप्निता यादव, तृप्ति सिंह, अमन कुमार और भी बहुत सारे लोगों ने अच्छा आंसर दिया है। अरशद सिद्दीकी, आकांक्षा जी, सौम्या पटेल और सुरभि स्वराज, इन लोगों ने बहुत ही अच्छे आंसर्स कमेंट बॉक्स में दिए, तो मैं आप सबके आंसरों को अप्रिशिएट करता हूँ। और जिसमें सबसे अच्छा आंसर जो था वो स्वप्निता यादव का था। ओके, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उनका अच्छा आंसर क्यों था, क्योंकि उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बना के रखी। ओके, एक क्रमबद्धता जो है वो बना के रखी अपने आंसर में, तो बहुत अच्छा था। ओके, तो मैं आप सभी के एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। तो चलिए आज के हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं हिंदी के क्वेश्चंस को। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, तो फिर भी देख लेते हैं। तो हवा का पर्यायवाची जो है अनल नहीं है, अनल किसी और शब्द का पर्यायवाची है, यानी अनल आई थिंक आग का पर्यायवाची है। और ये जो है अनिल, पवन, समीर, ये सारे जो है ये हवा के पर्यायवाची है, हवा यानी वायु के पर्यायवाची है। ओके, तो ये आपको क्लियर हुआ। सेकंड देखते हैं, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक अभी तक के बेचू के एंट्रेंस के एग्जाम में 2 से 3 बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये हिंदी प्रदीप पत्रिका। ओके, तो इसके हमको बताना है संपादक कौन है। तो इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं इस पत्रिका के संपादक हैं। और भी हम जानेंगे बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट सबसे पहले ये जो थे ये भारतेंदु युग के कवि थे। देखिए क्या थे, ये भारतेंदु युग के एक कवि थे। और बालकृष्ण भट्ट की रचनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे, तो उसमें आ जाता है नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूं आपको, सौ अजान एक सुजान। ओके, रेल का विकट खेल आप लोग नोट करते हुए चलिए साथ में, और चंद्रसेन। ओके, तो ये जो रचनाएं थी ये बालकृष्ण भट्ट जी की बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गया, ये सारी रचनाएं उनकी और वो भारतेंदु युग से संपर्क रखते थे। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, रेल का विकट खेल, चंद्रसेन, ये जो है ये बालकृष्ण जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पीपीटी की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात, ये जनरली एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा। ओके, तो इसका अर्थ होगा दोनों चतुर चालाक,
ओके, यानी तू डाल डाल में पात पात का अर्थ होता है दोनों लोग जो भी हैं, यानी एक डाल पे है तो एक पात पे, यानी दोनों चतुर चालाक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दोनों चतुर चालाक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं, तो सेवा सदन जो थी ये प्रेमचंद जी की उपन्यास थी। ओके, प्रेमचंद जी के बारे में आपको याद रखना है, इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, और आप नोट करेंगे इनकी महत्वपूर्ण उपन्यासों के बारे में। ओके, इनके जो भी उपन्यास हैं, ओके, हम लोग यहाँ पे जनरली जानेंगे इनके उपन्यासों के बारे में, तो इनके उपन्यासों के बारे में जानेंगे, आप नोट करेंगे इनके महत्वपूर्ण उपन्यास जो थे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और सेवा सदन, ये जो थे इनके उपन्यास थे। आई होप आपने अच्छे से नोट किया, अगर नहीं नोट किया तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छे से इसको नोट कीजिए। ओके, इनके थे सेवा सदन जो कि अभी आपने पढ़ा ही, उसके बाद गोदान बहुत ही इम्पोर्टेंट था इनका, गबन वो भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, गबन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, आपको ये याद रखना है। प्रेमाश्रम ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। निर्मला, ओके, निर्मला, कायाकल्प और उसके बाद कर्मभूमि, ये सारे जो हैं ये प्रेमचंद्र जी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो छायावाद का जब भी नाम आएगा आपको याद रखना है, चार कवि सबसे ज्यादा फेमस है छायावाद के, सबसे पहले कौन, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी, निराला जी और एक और है, वो है जयशंकर प्रसाद। ओके, तो ये चार छायावाद से अगर कवियों के नाम पूछेगा तो ये चार ही पूछेगा, यानी पंत, महादेव वर्मा, निराला और जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के चार कवि हैं। ओके, चार कवि हैं, मुक्तिबोध जी जो हैं ये छायावाद के कवि नहीं है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुक्तिबोध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसने भक्तमाल किसकी रचना है, तो यहाँ पे आपको जानने की जरूरत है, भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। किस युग के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे। किस युग के कवि थे, तो ये भक्ति काल से रिलेटेड कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है, भारतेंदु युग के बारे में मैंने आपको बताया, कौन सा लेखक नहीं है, मैंने आपको बताया था कि बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास, प्रताप नारायण मिश्र, ये सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट इनके बारे में बात करेंगे तो अभी आप ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हिंदी प्रदीप पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट जी भी है। ओके, तो ये पढ़ के आ रहे हैं आप, तो यहाँ पे श्याम सुंदर दास जी जो है ये भारतेंदु युग के कवि नहीं है, लेखक नहीं है, यहाँ हमको ये जानने की जरूरत है। आगे जब श्याम सुंदर दास जी की बात आएगी तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस युग के कवि हैं और इनकी रचनाएं क्या हैं। यहाँ पे हमें जानने की जरूरत क्या है कि कौन कौन भारतीय युग का है, तो ये है लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, ये भारतीय युग के लेखक हैं, जबकि श्याम सुंदर दास जी भारतीय युग के लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ओके, छंद पूछा है तो काफी डीप क्वेश्चन था, काफी अंदर से इसने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो इसको भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो बहुत ही कह सकते हैं इसने अंदर से जाकर के क्वेश्चन पूछा था, तो ये इसका है दोहा। ओके, दोहा क्वेश्चन में दम था ये, तो साखी जो है कबीरदास जी, इनके बारे में जानने की हमें जरूरत है। कबीरदास जी की रचना क्या नाम था उसका, बीजक, क्या था, बीजक, जिसको डिवाइड किया गया था तीन भागों में, साखी सवद रमैनी, जिसमें साखी के बारे में पूछा गया है, तो साखी किससे थी, दोहा से, दोहा छंद का उपयोग हुआ था साखी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रारंभ से अंत तक, इसको एक अर्थ में हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको एक अर्थ में हम लोग कहते हैं अद्योपांत बोले हैं, प्रारंभ से अंत तक को हम लोग अद्योपांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है, यहाँ पे हमें समास समझने की जरूरत है। देखिए, अगर कहीं भी संख्यावाची शब्द आ जाए, संख्यावाची जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक, अगर कोई भी संख्या जो भी है, अगर संख्या को कोई चीज रिप्रेजेंट कर रही है तो वहां पे द्विगु समास होता है। ओके, और अगर कहीं कोई चीज चा को रिप्रेजेंट, चा जिसे संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी में इसी को और बोलते हैं, अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास अभी आगे क्वेश्चन है, वहां आप क्लियर हो जाएगा। द्विगु के लिए संख्यावाची शब्द, जैसे चौराहे का क्या मतलब है, चार राहों का समूह। ओके, ये होता है चौराहा जनरली,
तो यहाँ पे चार चीजें हैं, यानी संख्यावाची कोई ना कोई शब्द है, तो यहाँ पे क्या होगा, संख्यावाची शब्द है तो यहाँ पे होगा दिगु। ओके, जहां भी आपको संख्यावाची शब्द देखने को मिल जाए तो वहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। और अगर आपको जैसे रुपए और पैसे हैं और देखने को मिल जाए तो वहां पे क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और भी समासों के बारे में हम जानेंगे, बट जब क्वेश्चन आएंगे तब वहां पे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये एक हमारी एक सोल्यूशन सीरीज है जो हम लोग कर रहे हैं, और भी आपको डिटेल में प्लस कोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, ऐप पे आपकी क्लासेस चल रही है जहां पे आपको डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, किसी भी चीज का इच्छा रखने वाला कोई भी चीज होता है तो उसके लास्ट में ऐसे वर्ड मिल जाते हैं, मुच्छू। ओके, तो यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन हो जाएगा, वो हो जाएंगे मिमुच्छु। ओके, तो ये होते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला। कहीं भी आपको इच्छा रखने वाला मिले, यानी यहाँ पे कोई भी वर्ड हो तो ये चीजें जोड़ के लास्ट में मुच्छु या छु जैसा कुछ जुड़ा होता है, तो वहां पे आप गेस कर सकते हैं कि ये वर्ड जो है इससे रिलेटेड होगा। तो प्रश्न नंबर 12 है, इनमें से मौन का विलोम शब्द कौन है, मौन का विलोम शब्द कौन है। इसको मैंने आपको पहले वीडियो में कराया था, मौन का विलोम शब्द कौन है, मुखर। मुखर जो होता है, मौन का मतलब होता है बहुत शांत, मुखर मतलब बोलने वाला है, लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा प्रदत्त नाम है। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में, किसने कौन सा नाम दिया है हिंदी साहित्य काल के प्रारंभिक काल को, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप पहला वीडियो देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे है कि ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था वीर गाथा काल। ओके, वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो कहा था ये वीर गाथा काल कहा था। और भारत में नामकरण की पद्धति को किसने स्टार्ट किया था, अगर ये पूछेगा आपसे, तो थे जॉर्ज गियर्सन। ओके, गियर्सन, इन्होंने क्या किया था, नामकरण की पद्धति को स्टार्ट किया था। ये मैं आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको उस एक्सप्लेनेशन में बताई है। तो आई होप अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो ये आपको बिल्कुल ही अच्छे से पता होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा, अभी मैंने आपको बताया था जहां भी इच्छा आ जाए, जैसे माता और पिता। ओके, देखते हैं इधर, माता और पिता। ओके, माता और पिता, जहां भी इच्छा जैसा या और जैसा कोई चीज जुड़ा हो तो वहां पे होता है द्वंद्व समास। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पीताम्बर, इसमें चा जैसा हमें कुछ दिख नहीं रहा, नेत्रहीन में भी चा जैसा कुछ नहीं दिख रहा, यथाशक्ति में भी हमें चा जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, हमको रुपए और पैसे में दिख रहा है कि रुपया और पैसा हम लोग कर सकते हैं जनरली। ओके, रुपया और पैसा हम लोग कर सकते हैं, तो रुपए और पैसे में क्या है, द्वंद्व समास है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है, भक्तिकाल के कवि नहीं है। ओके, ये भी क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो पूछा गया था नेक्स्ट ईयर। तो इसमें जनरली अगर आपने अच्छे से थोड़ा भी पढ़ाई की होगी तो आप गेस कर सकते हो कि ये सारे जो हैं, ये जितने भी लेखक हैं, ये भक्तिकाल से रिलेटेड हैं। ओके, भक्तिकाल से रिलेटेड हैं। तो ये जो हैं, ये रामचरित उपाध्याय जी, ये भक्तिकाल के नहीं है। ओके, तो इतना तो आप गेस कर सकते हो। तो रामचरित उपाध्याय जी के बारे में ज्यादा हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इस बार आ गए थे। भक्तिकाल को हम लोग दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला निर्गुण काव्यधारा। ओके, निर्गुण और निर्गुण देन सगुण। ओके, इन दो में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो भक्तिकाल को हम इन दो चीजों में डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घर का के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, यानी किसी इंसान के पास घर ही नहीं है तो उसके लिए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है, उसके लिए क्या यूज करेंगे। तो निकेत, निकेत आपने सुना होगा, बहुत सारे घरों के सामने लिखा होता है निकेत, निकेत, ये जो भी उनका नाम हो, शर्मा निकेत, ये सब। तो निकेत का मतलब होता है घर, और अनिकेत का मतलब बिना घर का, यानी ये क्या हो जाएगा सही इसका, अनिकेत, अनिकेत जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ओके, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है। और ओके, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिओध, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग जानेंगे इनके बारे में। ओके, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की मैं इंपॉर्टेंट रचनाओं को आपको नोट कराता हूँ। एक्चुअली मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आई थिंक आपने अगर सेकेंड वीडियो देखा होगा तो मैंने अयोध्या सिंह
उपाध्याय जी हरिओत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है। ये जो प्रिय प्रवास है, महाकाव्य है, कैसे है, इनकी जो भी जीवन लीला है, कोई मैंने जितनी भी इनकी जैसे चौपदे चक्ते चौपदे जो भी है इनकी रचनाएं, तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए तो। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग, ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अपरिग्रह, अपरिग्रह कहलाता है। आवश्यकता से अधिक अगर हम धन का त्याग करते हैं तो ये हमारे लिए अपरिग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक में सही संधि विच्छेद। पहला वीडियो वहां पे मैंने आपको अयादि संधि अच्छे से पढ़ाई थी, ओके, अयादि संधि अच्छे से मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये क्वेश्चन भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जिन्होंने जो सीरीज फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गय धन अका। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट है बिहारी लाल किस युग के कवि थे? बिहारी लाल जी रीतकाल के कवि थे। इसको उत्तर मध्यकाल श्रृंगार काल और कई सारे नामों से इसको हम लोग जानते हैं। तो रीतकाल के बिहारी जी कवि थे और इनकी रचना थी बिहारी सतसई। क्या थी? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो थी इनकी रचना थी, इनकी प्रमुख रचना थी। तो आई होप बिहारी लाल जी के बारे में इतना क्लियर हुआ होगा। इसको भी मैंने आपको पढ़ाया लेकिन मैंने अगेन आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? ओके, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपने अगर दीर्घ स्वर संधि अच्छे से पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि जब भी दो हस्व, इनको हस्व बोलते हैं हिंदी में, ओके, ये मिलते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं। ये कोई भी स्वर हो, आ ई ए ऊ, ये कोई भी हो सकता है, तो ये मिलते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। देखिए कैसे हुआ है। दैत्य धन अरि, ओके, यहां से आ निकल के आया, उसके बाद अगेन यहां से आ निकल के आया, ये क्या हो गया? दीर्घ हो गया, यानी बड़ा आ हो गया। तो बड़ा आ हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया? दैत्यारि, ओके। तो आपको समझ में आया दीर्घ स्वर संधि कैसे है यहाँ पे। तो ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये रिपीट हो चुका है कई बार। तो मैला आंचल के लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो यहाँ पे टिक लगा हुआ है इसका मतलब है, ये मैंने टिक नहीं लगाया, ये खुद विश्वविद्यालय प्रशासन ने टिक लगाया है। तो आप लोग इस कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा कि सर गलत आंसर दे रहे हैं, ये है। तो ये मैंने टिक नहीं लगाया, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा टिक है। तो आपको इसकी जो भी इसकी प्रमाणिकता है उस पर आपको विश्वास करना होगा, ओके, क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मान्य आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फणीश्वरनाथ रेणु जी के बारे में हम जानेंगे। तो इनकी रचना है, आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ, मैला आंचल कितने चौराहे ठुमरी और लाल पान की बेगम पंचलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, पंचलाइट, उसके बाद मैला आंचल, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं फणीश्वरनाथ रेणु की। और भी हैं ठेस, लाल पान की बेगम, जो मैंने अभी आपको बताई, ये सब भी आप याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं है? तो इसको आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। देखिए यहाँ पे अपवाद, अपधनवाद यहाँ पर भी है, प्राधन भाव यहाँ पर भी है, यहाँ पे परधन अजय यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम कर दें ओ धन रण, ओके, तो यहाँ पर ये कोई चीज, ये इसका कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं ईदगाह कहानी के लेखक। इनको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। अभी मैंने आपको इनके उपन्यासों के नाम बताए, सेवा सदन, गोदान, गबन, निर्मला, ओके, कर्म भूमि, कायाकल्प, ये सारे प्रेमचंद्र जी के उपन्यास थे। लेकिन यहाँ प्रॉपर बात करेंगे इनकी कहानियों के बारे में, ओके, प्रेमचंद्र जी की जो कहानियां थी उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नोट कर लीजिए आप लोग इनके कहानियों के बारे में, अभी जो मैंने आपको पहले बताया था वो थे इनके उपन्यास। कहानियों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वो थी पंच परमेश्वर,
पंच परमेश्वर ये भी इंपॉर्टेंट है, पंच परमेश्वर। ओके, दो बैलों की कथा, आई थिंक आपने क्लास सिक्स या सेवंथ में पढ़ी होगी दो बैलों की कथा। और उसके बाद है ईदगाह, पूछ की रात, कफन और मन। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाने वाली इनकी कहानियां हैं। मैंने इनके उपन्यास भी आपको इसी वीडियो में बताया, उसको आप नोट कर सकते हैं। मैंने इनकी कहानियां भी आपको इसी वीडियो में बता दी, तो ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ये भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? तो बहुत ही फेमस रचना है साकेत। साकेत किसकी है? तो साकेत है मैथिली शरण गुप्त की। ओके, मैथिली शरण गुप्त की है और ये एक महाकाव्य है। मैथिली शरण गुप्त, इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। इनकी रचनाओं पे हम एक बार प्रकाश डालेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, साकेत और यशोधरा, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, साकेत और यशोधरा। ओके, साकेत और यशोधरा, साकेत और यशोधरा जो है ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों महाकाव्य हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों महाकाव्य हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी हम इनकी रचनाओं को आप नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। वो रचनाएं हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, झंकार, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, सिद्धराज। ये जो रचनाएं हैं, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, झंकार, पृथ्वीपुत्र, रंग में भंग, सिद्धराज, ये जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं और इनको राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म नहीं है? विलोम शब्द युग्म नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है नहीं है। तो इसमें देखिए, वरदान अभिशाप, वरदान अभिशाप है, वरदान देगा तो उसका अपोजिट अभिशाप, आधुनिक मतलब नयापन, पुरातन मतलब पुराना, जय यानी जीत, पराजय मतलब हार, तो प्रवृत्ति का सदवृत्ति ये नहीं है। ओके, प्रवृत्ति का मतलब कोई आदत, सदवृत्त का मतलब अच्छी आदत, तो आदत का कभी भी विलोम अच्छी आदत नहीं हो सकती, मतलब अच्छी आदत का बुरी आदत हो सकती है लेकिन प्रवृत्ति का सदवृत्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही। प्रवृत्ति और सदवृत्त जो है ये गलत शब्द युग्म है विलोम के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। ओके, रानी केतकी की कहानी जो है इंसा अल्लाह खां की रचना है। ओके, तो आज का आपका क्वेश्चन यहीं से उठता है। क्वेश्चन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, नचिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है और बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आपको ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको डिटेल में लिखना है वो आंसर, वो मैं जीएस के लिए बोलता हूँ। यहाँ पे हिंदी में आपको स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट आंसर लिखना है कि इसके रचनाकार का नाम लिख दीजिए, इसके रचनाकार का, इसके रचनाकार का। ओके, आपको कोई भी एडिशनल पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तुलसीदास जी, इनकी सारी रचनाओं के बारे में मैंने आपसे एक्सप्लेन की। इनकी सबसे फेमस रचना थी रामचरितमानस, रामचरितमानस। ओके, भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। तो और भी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, कवितावली, गीतावली, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी एक वीडियो में। अगर आप पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके बारे में जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ओके, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद्रवर दाई जी की रचना है, चंद्रवर दाई जी की रचना है और ये पहला महाकाव्य था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो जैसे अभी आपने पहला पढ़ा था किसमें नहीं हुआ है उपसर्ग का प्रयोग, अभी पूछा है किसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे आधन लग कोई सेंस नहीं बन रहा है, वी धन कल कोई सेंस बन नहीं बन रहा है यहाँ, लेकिन धन धन एक, धन धन एक, और इसका हम लोग जो संधि विच्छेद के तहत अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धनी, इसका अर्थ भी बन रहा है धन, धन मतलब पैसा मनी, एक एक प्रत्यय है तो यहाँ पे एक प्रत्यय जोड़ी गई है तो धनिक जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी धनिक में क्या है कि प्रत्यय का यूज किया गया है। तो ये आज के 30 क्वेश्चन थे, यानी 2020 के ये 30 क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, इनको आप लगा सकते हैं। अभी इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि आपकी हिंदी की प्रिपरेशन कहाँ पर है, कैसे चल रही है।
अगर आप इसमें अगर 20 to 25 अभी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, ओके यू आर इन अ क्वाइट गुड पोजीशन। अगर आप 20 से भी नीचे आ रहे हैं तब भी 15 से 20 आ रहे हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ओके और ये 25 तक वालों को इनको और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको और इम्प्रूव करना होगा। आप टारगेट बना के रखिए कि हमको हिंदी में मिनिमम 25 से 30 के बीच में स्कोर कर लेना, इतने क्वेश्चन सही कर देने हैं, क्योंकि हिंदी सेक्शन बहुत इजी आता है, वहां आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो आपका हिंदी सेक्शन मैंने खत्म कर दिया पूरा, ओके हिंदी सेक्शन आपका हमने खत्म कर दिया। जीके जीएस का पोर्शन भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके मतलब मैं कह सकता हूँ कि वो खत्म होने की कगार पे अभी खत्म नहीं हुआ है, उसको भी हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो अभी हम लोग बोर्ड पे आ चुके हैं तो मैथ और रीजनिंग समझना हमारे लिए आसान होगा, तो हम मैथ और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन जीके जीएस के वो हम क्या करेंगे खत्म कर देंगे। उसके बाद जो भी जीके जीएस बचा है वो भी हम आपको खत्म कर देंगे। तो ये सारे वीडियोस होंगे एक्सप्लेनेशन के, अगर आप इनको ना देखना चाहें तो नेक्स्ट हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, बस एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 120 प्लस जो 30 क्वेश्चन होता है लैंग्वेज का, यानी 190 क्वेश्चन होते हैं इसके, 30 प्लस 30, ओके जो भी क्वेश्चन होते हैं ये लैंग्वेज के होते हैं दोनों हिंदी इंग्लिश, इस पर एक वीडियो बना देंगे पूरा, जिसमें आपके पूरे 150 क्वेश्चन कवर होंगे, आप वहां देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ आंसर देखना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारी ये जो PYQ की सीरीज है एक प्रॉपर वे में चलने वाली है, आपको सारे क्वेश्चंस आंसर्स एक्सप्लेनेशन सहित आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इस सीरीज से आप जुड़े रहिए क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करके सॉल्व कर लिए तो यू डन योर 40% प्रिपरेशन, आपने अपने अपनी 40% प्रिपरेशन कर ली, 40 क्या मैं कह सकता हूँ, आपने अपनी 60-70% प्रिपरेशन कर ली। लेकिन कोई करता नहीं, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता है तो बस उसको जानना रहता है सब प्रत्यय नहीं है धने, ओके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, जैसे ये धन धन एक, यानी कौन सा प्रत्यय है यहाँ पर, एक प्रत्यय है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, और एक ऐप है बीचू पाठशाला, उस पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जितनी भी मैंने हिंदी के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए ये सब एक्सप्लेन करके अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ाए गए हैं हमारे ऐप पे, तो वहां पे आप इन्वायरमेंट ले सकते हैं। करंट में हमारा जो बैच चल रहा है वो बैच है मिशन 60 डेज प्लान, जहां पे आपको 60 दिन में पूरी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी और एक इफेक्टिव कॉस्ट पे आप एडमिशन ले सकते हैं।